तो आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार वाली मशीनें खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी है, बैरिकेडिंग भी कई जगह है। तो पिपली की तस्वीर है ये, पुलिस प्रशासन भी बहुत ज्यादा संख्या में है। देखिए कई कई कितनी लेयर सोनू ये छह लेयर की बैरिकेडिंग है, तार भी लग रहे ऊपर कंटीले तार है। देखो बेल बेल बांधने लग रहे हैं, तो बेल लगाने लग रहे हैं कमांडो हरियाणा पुलिस बहुत ज्यादा संख्या में है। तो हम जो है जब पंचायत चल रही, पंचायत पहुंच गया और पंचायत को आपने दिखाना चाहे बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जो पीछे प्रशासन की शक्ति इतने सारे अधिकारी के निकलने लगे। प्रधान जी से पूछा कि संख्या पहुंच गए, प्रधान जी रास्ते में देखा प्रशासन शक्ति के साथ पेश आ रहा है, कई लेयर में बैरिकेडिंग करने लग रहा है, वहां कर रहा है तो कई रास्ते में कर रहा है जो छह लेयर की बैरिकेडिंग और बेल वगैरह बनने लग रहा है, तो किसानों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े इस तरह। देखिए एक तो बैरिकेडिंग वगैरह प्रशासन कर रहा बड़ा दुखद है, क्योंकि किसान किसी की कुर्सी नहीं मांगते मगर सिर्फ एमएसपी मांग रहे। या तो हरियाणा सरकार बाद आ जाए, नहीं हम मरे नहीं है जिंदा है और किसान इस प्रदेश का ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधान जी मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि जो सूरजमुखी फसल है उस पर 500 रुपये बिकन लग रही है और एक कारखाना बनाने का तेल का सूरजमुखी का कल ज्ञान आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं 5800 बोल रहे हैं 5800 अगर वो खरीदता और 1000 रुपए भाव अंतर देता तो क्या ये विवाद होता, क्योंकि भाव 6400 है। बिल्कुल समझ गया ना, फिर तो 6800 रुपए मिलते किसान को, किसान पागल है क्या? और एक कारखाना बनाने की बात है कि तेल कारखाना लाए तो सूरजमुखी कद कारखाना बनाएगा, कद उसका तेल निकलेगा, सूरजमुखी तो मंडी में पड़ी है अभी खरीद बना ले लिए कारखाना जी दिन तरह लाना है। एक बड़ी कॉल दी गई किसानों की तरफ से, लेकिन उसके बाद तुरंत मनोहर लाल खट्टर का ध्यान आया कि मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, वरना हमने 48 घंटे इनको बात के लिए भी समय दिया तब बुलाए नहीं, अभी तक भी हम इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से मुद्दा हल होते हैं, बातचीत के लिए रास्ते खोलो, अभी तक कोई मैसेज नहीं। किसान जेलों में और खट्टर सरकार हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही। प्रधान जी कोई बातचीत तक हो ही नहीं जिस दिन गुरुदाम सिंह चड्ढा में गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद, या फिर आज कोई संदेश आया हो? कोई संदेश नहीं फिलहाल तक, ना कोई बात हो। तो क्या लग है, क्या रणनीति सरकार की? क्या सरकार की रणनीति हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर सरकार किसान हित में होती तो अब तक तो ना बातचीत के रास्ते खोल देने चाहिए, क्योंकि टेबल के ऊपर ही समझौते होते हैं। शासन में देखा है कुछ खलबली मच रही है, रामपन काला जी बोल रहे हैं मैं इस्तीफा भेज देते हैं, मैंने इस्तीफा विधायक किसी ने इस्तीफा, इन किसानों ने वोट देकर बना रहा तेरे को, इन किसानों को पर लाठियां बरसा रही है सरकार और एक चेयरमैन ही, अरे तो विधायक किस बात का है ये लाठी के जब तेरे ऊपर पड़ी। मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं हमारा तो राय नहीं इस्तीफा, बोले क्या का इस्तीफा, नाटक कर रहे हैं, दूसरे चौटाला को दे रहा है, उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, मुख्यमंत्री को भी भेजो ना, भे आपने लाठी मारी है और मैं विधायकी से भी इस्तीफा देता हूँ, चेयरमैन से भी, फिर तो इस्तीफा वरना नाटक कर रहा है। तो प्रधान जी कितना लोग पहुंचना यह संख्या है इस बहुत भारी तादाद में किसान पहुंचे, बहुत भारी तादाद, जिस तरह देखा जाए प्रशासन भी पूरा अलर्ट है, पूरी सख्ताई पे है, क्योंकि प्रशासन अपना काम करेगा हम अपना काम करेंगे, प्रशासन का काम है लोन ऑर्डर की स्थिति संभालना, हमारा काम है किसान के लिए लड़ना, देखते क्या होता है। तो प्रधान जी कब तक इस तरह में चल रहा है? देखो एमएसपी लड़ाई बार बार होने लगी, बार बार लाठी चार्ज भी होगा, कई बार हो गया इस तरह, कब तक चलेगा वो? तो भाई जब तक यह सरकार रहेगी मामला तो नहीं दिखता कि आप बिना लड़े मामले की, वरना ये कौन सी लड़ाई थी, क्या मांग रहे थे हम यार? मात्र एमएसपी तो मांगी थी, क्या मांग रहे थे? क्या मांग रहे हैं, क्या मिल रहा है? मिल रही लाठी, किसान मांग रहा है एमएसपी, मिल रही लाठी, कुर्सी थोड़ी मांगी थी किसी की। तो आज क्या कुछ फैसला इसके प्रधान जी? स्थानीय कमेटी ने कोई निर्णय ले रखा, हमारे से उन्होंने सलाह की थी कि
हम कोई निर्णय ले रखा, हमने कहा था नॉन कंडीशन अमाउंट के साथ जो भी स्थानीय लोगों ने निर्णय ले रखा है वो एक्शन का है और वो एक्शन हम करेंगे हर हालत में। ठीक है प्रधान, चलो व्यवस्था बनाओ, भाई के साथी इनको बैठाओ, भैया ने कह गया सभी अपील है तो गुरनाम सिंह चलूनी जी का आज जन्मदिन है तो उसका केक भी यहीं पर काटा जा रहा है और बिल्कुल देख सकते हैं जो किसान जो किसान हरियाणा पंजाब के और पूरे हरियाणा के पूरे हिंदुस्तानी पोल है तो लोग उनसे उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और केक काटने लग रहे हैं तो बड़े नेता पहुँच रहे हैं सुरेश कौल जी से बातचीत करी है और आपने देखने लग रहा है कि जो किसान है बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचने लग रहे हैं तो बड़ी संख्या उनकी संभावना है और लोग देख रास्ते में भी दिखाएंगे काफी संख्या में पहुंचने लग रहे हैं। प्रशासन भी पूरा लग रहा है, छह छह लेयर की बैरिकेडिंग दो तीन जगह लग रहा है, कंटीले तार भी लगाए गए हैं तो क्या कुछ बातचीत रहते हैं सरकार के साथ बातचीत उन पावेगी या फिर किसान कोई सख्त फैसला लेंगे वो भी आप लोगों तक अपडेट जरूर देंगे। इस वीडियो ने आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।